तो मैं YouTube चैनल में हूँ जैस्मिन रोमी और आप लोग देख रहे हैं जैस्मिन रोमी ब्लॉग्स। तो चलिए गाइस, आज 26 जनवरी हो गया और चंडीगढ़ मैदान में काफी सारा प्रोग्राम निकाला गया, जिसमें कि आज फुटबॉल मैच भी देखने को मिल रहे हैं और मेला भी, यहाँ पर टूसू मेला भी आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आपको नाचने को देखने को मिलेंगे। तो सबसे चलिए यहाँ पर सबसे आप देखेंगे, यहाँ पर काफी, मैं मैदान के किनारे हूँ, काफी भीड़ लग चुका है यहाँ पर भी। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे जहाँ की सांस्कृतिक कार्यक्रम नाच चल रहा है, टूसू मेला, वहाँ जाने वाले और देखने वाले हैं किस तरह आज इस 26 जनवरी इस चंडीगढ़ फुटबॉल ग्राउंड पे ही इस टूसू मेला को लाया गया है। तो हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे टूसू नाच, यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। चलिए आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, जो कि चंडीगढ़ नाच गान में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर काफी अच्छी तरीका से, यहाँ पर आप देखेंगे मोर का पंख और उनके बालों पे पौलों का यहाँ पर गुदा हुआ है, काफी अच्छी तरीका से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए इन कलाकारों का भी हम लोग अभी कुछ देर यहाँ पर प्रोग्राम हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर काफी भीड़ लग चुका है इस मेला देखने के लिए। वही सबसे पहले इस कलाकारों का हम लोग देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर मेला, इस चंडीगढ़ में मेला हम लोग को देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर स्टार्ट हो गया और बिल्कुल आप तो पहले भी देख चुके हैं ये ब्लॉग में, काफी अच्छी तरह से जो करते हैं और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम ये जो चंडीगढ़ में होता है, चंडीगढ़ में हो रहा है ये 26 जनवरी का दिन भी काफी अच्छा है। चलिए और यहाँ पर अगर आप गाना की बात करते हैं, यहाँ पर आपको दो जगह ऐसे चल रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह का यहाँ पर गाना चल रहा है, यानी कि मुंडारी पे ही चलता है पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग देखेंगे कि किस तरह नाच होता है। चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं, चलिए यहाँ पर देखेंगे आप उनके पैर एक साथ यहाँ पर मुड़ा जा रहा है, देखेंगे यहाँ पर साड़ी के साथ ही काफी अच्छा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीका से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस चंडीगढ़ पे, और बिल्कुल आप समझ गए होंगे तो मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि किस तरह यहाँ पर नाच गान इस कार्यक्रम में आप देख सकेंगे। बिल्कुल यहाँ पर आगे पीछे बिल्कुल यहाँ पर आप नाचते हुए देखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, और थोड़ा सा यहाँ भी बात करेंगे हम लोग, जो यहाँ पर पीले और उसके कमर के दोनों साइड आप देखेंगे, एक तरफ पीले और एक तरफ लाल, वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, मतलब नाच दिखा रहे हैं। और काफी यहाँ पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए काफी लोग आ चुके हैं और ढोल नगाड़ा आप कम नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे उनके नगेड़े पे यहाँ पर फूल भी सजाया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे सही तरीका से यहाँ पर आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये नाच देखेंगे जो कि काफी अच्छा लग रहा है, चलिए कुछ देर हम लोग देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखिए काफी अच्छी तरीके से, खोपा में भी फूलों का रास्ता काफी अच्छी तरीके से लगाई हुई है, वो मुझे काफी पसंद है यहाँ पर और लोगों को भी पसंद आ रहा है। यहाँ से भीड़ भी दिखाएंगे आपको कुछ देर में, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो नाच रही है वो लोग देखने वाले हैं, फिर यहाँ पर जितने भी दर्शक आए हैं इस मेले में जो इंजॉय करने के लिए, वो लोग भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर नाच देखने को मिल रहे हैं, अभी एक गाना खत्म हो चुका है, जो मुंडारी में चल रहा है वो खत्म हो चुका है फिलहाल, चलिए और एक गाना के साथ हम लोग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और सबसे पहले आपको भीड़ के दिखाना चाहिए, यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, काफी इस सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए काफी आ चुके हैं, यहाँ पर मैं किनारे बात करूँ उतने कम यहाँ पर मुझे लगता है, काफी भीड़ हो चुका है। चलिए फिर से हम लोग एक नाच और एक बार हम लोग देखने वाले, यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट हो चुका है ये जो आप देख रहे हैं, काफी अच्छा है। चलिए मैं जितने तारीफ करूँ इस कलाकारों का, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे We'll be right back.
यहाँ पर जो नाच रहे हैं वो जितने भी यहाँ देखने आए हैं उन लोगों को मैं बताने वाला हूँ, मतलब कि आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखने के लिए आए हैं वो लोग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो नाचने आए हैं वो कलाकारों का हम लोग देखने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ पर एकदम काफ़ी अच्छी तरीका से यहाँ पर आप देखेंगे तो तालमेल के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह यहाँ पर स्टेज में जो है वो भी तालमेल से ही यहाँ पर नाच हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और उसके साथ और एक यहाँ पर दो लाइन बनाया गया है जो कि आप देखेंगे, दूसरा लाइन यहाँ पर एक उस साइड है और उसके बीच से ही बारोदा हुई है आप देखेंगे। और एक यहाँ पर आप देखेंगे ये साइड में देखिए कि यहाँ पर जो इस गाना मतलब इस नाच को थोड़ा अच्छा और भी मधुर में बनाने के लिए उनके साथ ढोल लगाना भी और उनके साथ एक म्यूजिक भी है उसके साथ में लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। चलिए हम लोग को काफ़ी पसंद आ रहा है ये और बाकी दर्शक को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो बने रहिए। यहाँ पर नाच रहे हैं काफी, यहाँ पर दो तीन गो मुंडारी से ऐसे गाना सुनने को मिल रहे हैं, अगर आप समझ रहे हो तो काफी अच्छा लगेगा आपको भी। तो चलिए हम लोग फिर से देखने वाले यहाँ पर जो कभी एक मुंडारी गाना खत्म हो चुका, चलिए आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे। और साथ मेरे ख्याल से नाचते नाचते थोड़ा सा यहाँ पर वो उनके साथी का थोड़ा कोफा जो फूल गुदी हुई है ऊपर पे उसका खुल चुका है तो थोड़ा उन्हें बना रही हैं। बिल्कुल यहाँ पर चलिए तो फिर से हम लोग देखेंगे। देखेंगे मोर का पंख भी पकड़ी हुई है यहाँ पर जो कि आगे की है वो मोर का पंख पकड़ी हुई है और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर उनके साथ ही उनके साथ तालमेल करके आगे बढ़ेंगे, काफी अच्छा है। चलिए देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे नाच है वो बदली हो चुका है यानी चेंज हो चुका है। अब देखेंगे तो यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर देखिए ये चेंज हो चुका है। जो बजा रहे हैं वो बैठ चुके हैं और आप देखेंगे वहाँ पर जो नगाड़ा है वो खड़े होके ही बजा रहे हैं और यहाँ पर देखेंगे जो बीच में नाच रहा है वो बैठ चुके हैं और उनके साथ जो जुरा के नाच रहा है वो भी बैठ चुके हैं। बिल्कुल ये देखिए
थोड़ा नीचे और नीचे उधर की यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर नाच रही है, जो कि बहुत ही सुंदर और काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक तालमेल यहाँ कर रहे हैं, एक साथ एक ही तरह यहाँ पर झूम रहे हैं। बिल्कुल आप यहाँ पर नजर करिएगा थोड़ा सा, ये देखिए उनके साथ। और जो बांसुरी बजाते हैं यहाँ पर, वो बांसुरी जो बजा रहे हैं वो भी यहाँ पर दो दो तीन तीन बांसुरी और एक साथ ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। और बांसुरी बिल्कुल यहाँ पर उनके साथ ही बजा रहे हैं, यहाँ पर दो दो बांसुरी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं यहाँ जो कि नाच रहे हैं उनका। बिल्कुल अभी यहाँ पर देखेंगे हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। अब खड़े खड़े मतलब एक बार अब खुद टेक टेक के नाचना होगा, कूद कूद के नाचना होगा, आप देख ही सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम मुझे बिल्कुल पसंद है, और आप लोगों को भी काफी पसंद आ रहा होगा यहाँ पर। तो कमेंट बताइए मुझे कैसे आप लोगों को लग रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये नाच जो ये हमारे झारखंड कुटी में ये नाच देखने को मिलता है इस कार्यक्रम को, इस नाच को। यहाँ पर एक कलर की साड़ियाँ यहाँ पर पहन चुके हैं, तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो ये कौन सी ग्रुप है ये बाद में फिलहाल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये हम लोग नाच देखने वाले हैं, तो चलिए पर जो ये कौन सा ग्रुप है ये फिलहाल मैं बाद बताऊंगा, जो कि यहाँ पर इस चंडीडी में पहुंच चुके हैं। ये माताएं काफी अच्छी है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में, तो बिल्कुल आप देख लिए। चलिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर, ये कहाँ से आया ये तो मैं फिलहाल बाद बताऊंगा। सबसे पहले ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो चल रहा है ये पहले हम लोग को देखना जरूरी है, और काफी अच्छी तरीके से चल रहा है जो ये चल रहा है। ये मुंडारी संस्कृति कहा जाता है, ये हमारे झारखंड कुटी में खाली ऐसे देखने को मिलता है, ये नाच जो चल रहा है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे बैक होकर नाच रही है, आप बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे कुछ देर यहाँ पर आगे से भी नाचती है, फिर थोड़ा दूर पहुंचने के बाद फिर पीछे
से नाचने के लिए बैक से आती है। ये नाच पहले आप लोग पहले भी देखे होंगे, पर यहाँ पर आज चांदीडी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर नाच देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। नाचना है वो लोग बीच में अखाड़ा पे ही और खुद देख रहे हैं, आप देखेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आप स्पीड से आप देखने को मिलेंगे आपको, बिल्कुल यहाँ पर दौड़ते दौड़ते ये देखिए। आज की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लंबा लाइन इसमें देखने को मिलेंगे, जो उनके साड़ी के साथ एकदम सब लोग यहाँ पर सारे काफी अच्छे यहाँ पर नाच रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे जगह आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेगा, जो कि दो जगह आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर, और एक जगह ऐसे बाकी है जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नाचने के लिए पहुँचे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, जो कि यहाँ पर नाच चल रहा है उनका हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये नज़र देखिए, बढ़ता हुआ, जो कि फिलहाल आप लोग देखा आगे से, आप पीछे से यहाँ पर नाचते हुए ये देखिए, बैक से आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से आगे से जा रहे थे, देखिए फिर से आगे बढ़ने लगी है। Thank you.
जगह ऐसे, तीन जगह ऐसे कलाकार आए हुए हैं। तो आप दूसरा तक देख लिए, अब हम लोग तीसरा कार्यक्रम देखने वाले यहाँ पर, जो कि मेरे बगल में है यहाँ पर है। ग्रुप भी हम लोग देखने वाले यहाँ से, आप देखेंगे तो काफी लाइन लगा हुआ है। ये देखिएगा, ये जो काफी थोड़ा सा अलग यहाँ पर आपको नाचने को मिले, देखने को मिले। और यहाँ पर छोटी बच्चियां भी यहाँ पर आ चुकी है, आप देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर काफी लंबा लाइन है। तो चलिए इतना ही आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि काफी आप लोगों ने देख लिए। अब बाकी आप रिएक्शन आपको दिखा दे, यहाँ पर पब्लिक जितने आए वो दिखा। यहाँ पर तीन तीन कलाकारों का नाच आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर आपको दिखाने वाले, यहाँ पर कितने सारे लोग इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए आए, और आपको दिखाएंगे कितना लोग आए। चलिए, यहाँ पर भी छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रही है। ये बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे, और नाच इसी बगल पे ही चल रहा है। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग देखेंगे इस मेले पे कितने लोग आए, यहाँ पर भी देखेंगे और भी आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए इस तरफ ये देखिए, इस जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर किनारे किनारे काफी दर्शक आ चुके, जो कि मेला प्रेमी भाई यहाँ पर आ चुके हैं। और इस तरफ भी आप देखें माता है, यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां भी आ चुकी हैं इस मेला में, इस मेला को सफल बनाने के लिए। और आप यहाँ देखेंगे, आपको पूरा किनारे किनारे आपको घुमाने वाले हैं। ये देखिए काफी भीड़ है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये चांदीडी है, जो कि अब मैंने पहले लोकेशन आपको बता दिया था इस जगह का। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरफ भी है, तो बिल्कुल चलिए आपको पूरा किनारे किनारे घुमा रहे हैं। और यहाँ पर जो वीडियो, जो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, ये भी है और इस तरह भी है। जितने मैं इस मेला के दिखाऊँ उतने कम मुझे लगता है, तो आप देख ही सकते हैं। और मेला इस जगह चल रहा है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है यहाँ पर दो दो चल रहे हैं, तीन तीन यहाँ पर एक चल रहा है और यहाँ पर एक चल रहा है, वहाँ पर एक चल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। तो चलिए चलिए आपको पूरा दिखाना चाहेंगे। आधा तक आ चुका हूँ, वहाँ से मैंने आया था। तो चलिए यहाँ से भी आपको दिखाने, जो मैं आपको फिर से बताया था, यहाँ से फिर पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर से यहाँ से भी पीछे से भाई लोग देख रहे हैं, तो हाय हेलो कर रहे हैं। बिल्कुल चलिए बिल्कुल। और इस तरह भी है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। तो जितने मैं कम बात करूँ, सर मेरे ख्याल से काफ़ी लोग हैं, जितनी तारीफ करो उतने मुझे कम लगता है। ये देखिए पूरे पहुँच का, जिस जगह से मैंने शुरू किया था उसी जगह तक मैं पहुँच चुका हूँ। ये देखिए बिल्कुल, चलिए मैं पूरा आपको मेला घुमा चुका हूँ। अब यहाँ से देखें तो काफ़ी बीच में भी एक जगह दूसरा जगह और यहाँ पर। तो चलिए गाइस, कैसे लगा मुझे कमेंट में। आपके नजदीक में मैं आप सभी तमाम दर्शकों को अवगत कर देना चाहूंगा, एक दिवसीय फुटबॉल खेल मुर्गा लड़ाई एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता दिनांक 8 फरवरी 2024 दिन रविवार को स्थान से मोकल होगी। आप सभी तमाम दर्शक यहाँ से देखेंगे एक दिवसीय फुटबॉल खेल मुर्गा लड़ाई एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता। मेला का यहाँ पर निकाला गया, तो वो मेला भी आप लोगों को देखने को मिला। और मेरे साथ आज सर जी भी जुड़ चुके हैं, जो भी इस मेला में शामिल हो चुके हैं। मेला को देखने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं, काफी अच्छा लग रहा है इस मेला में। चलिए आपको मेला का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वो आप लोगों को दिखाने वाले, चलिए देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तीन तीन जगह इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, नाचने के लिए काफी यहाँ पर तीन जगह हम लोग को देखने को मिल रहे हैं।
पुरस्कार वितरण के लिए हम लोग को मनाना है और लेके आ जाइए केस को, केस को भेज दीजिएगा, पुरस्कार वितरण करना है। काफी अच्छी तरीके से और चलिए बहुत ही बढ़िया। आपको मेला, ये चांदनी मेला कैसा लगा मुझे कमेंट बताइए। आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बिल्कुल कीजिए और कैसा लगा ये तो बिल्कुल बताइए। और ये है आदिवासी संस्कृति कार्यक्रम मेला जो हमारे और चले गए स्टूडियो में, इतनी अगली वीडियो मिलेगा। और कुछ बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं या फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। आपके तरफ अगर वीडियो बनाना हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। चलेगा इस वीडियो में अगली वीडियो मिलते हैं। चलिए।